हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीकर्स अड्डा। हमारे इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉपिक इनइक्वालिटी पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये इनइक्वालिटी पर हमारा दूसरा वीडियो है, तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने हमको बोला कि आइदर और कंडीशन जो होती है उसको समझाइए, तो इस वीडियो में हमने आइदर और कंडीशन को एक्सप्लेन किया है। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपके पूरे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कोडेड इनइक्वालिटी देखेंगे। कोडेड इनइक्वालिटी कैसी होती है फ्रेंड्स, आपको हर साइन को आपका जो भी हर साइन है, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू है या फिर लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, ये आपको क्या डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, आपको इस तरीके के फॉर्म में बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि आपका जो पी है, ठीक है, वो छोटा नहीं है क्यू से, नॉट स्मॉलर देन क्यू, यानी कि आपका पी जो है या तो वो बड़ा होगा या फिर वो बराबर होगा। तो यहाँ पर आपका कॉपीराइट का मतलब हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू। सिमिलरली आपको यहाँ पर दिया हुआ है पी परसेंटेज क्यू, यानी कि आपका पी इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू क्यू, यानी कि आपका पी जो है वो या स्मॉल भी नहीं है, छोटा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पी इज़ ग्रेटर देन क्यू। सिमिलरली आपको स्टार का मतलब है पी इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, यानी कि ना ही वो बड़ा है ना ही वो बराबर है, यानी कि वो क्या है, छोटा है। पी यहाँ पर आपका एंड का साइन है, इसका मतलब ये हो जाएगा पी इज़ नॉट ग्रेटर देन क्यू, यानी कि वो बड़ा नहीं है, तो या तो वो छोटा है या तो बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सिर्फ पांच ही साइंस होते हैं इनइक्वालिटी पर, तो यहाँ पर आपके चार साइन अपन ने देख लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि पांचवा साइन जो होगा वो इक्वल का होगा। आप यहाँ पर उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, एट द रेट मीन्स पी इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, ठीक है, यानी कि वो आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पूरे डायरेक्शंस पढ़ पढ़ के सारे साइंस जो हैं उनकी आपको पता करना है कि क्या इंडिकेट कर रहा है आपका ये साइन, यानी कि आपका ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, उसका मतलब है कॉपीराइट, और कॉपीराइट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पर आपको उसी तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, स्टेटमेंट दिया रहेगा आपका। यहाँ पर आपका स्टेटमेंट जो है टुकड़ों में दिया हुआ है, उसको आपको एक स्टेटमेंट करके लिखना है, और इसी तरीके से कोडेड फॉर्म में आपके कंक्लूजन दिए हुए हैं, उसको आपको इन, जैसे कि यहाँ पर स्टार है तो स्टार की जगह आप पुट करोगे, लेस देन पुट करोगे, वैसे ही आर परसेंटेज डी है तो परसेंट का मतलब जो भी होता है आप उस साइन की जगह पे ये पुट करोगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करना है। स्टेटमेंट को सबसे पहले अपन एक फॉर्म में लिख देते हैं, यहाँ पर आपको टुकड़ों में दिया हुआ है, चार टुकड़ों में दिया हुआ है, उसको आप एक ही फॉर्म में लिख दीजिए, यानी कि आपका डी टी, ठीक है, और यहाँ पर आपका थर्ड अल्फ़ाबेट है आर, फोर्थ अल्फ़ाबेट है आपका एम, और फिफ्थ अल्फ़ाबेट है आपका के। देखिए यहाँ पर आपका डी टी सारे आपको सीक्वेंस में ही दिए हुए हैं, यहाँ पर टी पे ख़त्म हुआ, टी से शुरू, आर पे ख़त्म हुआ, आर से शुरू, और एम पे ख़त्म हुआ, तो आपका ये फोर्थ भी एम से ही चालू हो रहा है। यहाँ पर आपको किसी भी साइन को इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप पूरी सेम एक ही सीक्वेंस में सारे अल्फ़ाबेट्स लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डी और टी के बीच में कौन सा साइन है, ये एंड का है, और एंड का मतलब क्या होता है आपका, लेस देन इक्वल टू। सिमिलरली यहाँ पर टी और आर के बीच में एट द रेट है, और एट द रेट का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आर और एम के बीच में है कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर एम है उस, और उसके बाद में एम और के बीच में है परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर देन। तो फ्रेंड्स, आपने इस पूरे कोडेड फॉर्म को आपने डिकोड कर लिया और इस फॉर्म में लाके लिख लिया। अब आपके जो कंक्लूजन है अपन उसको देखेंगे, तो आपके कंक्लूजन है के और टी के बीच में आपका रिलेशन है, और आर और डी के बीच में, स्टार मतलब आपका हो गया लेस देन, और यहाँ पर आर और डी के बीच में परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब होता है ग्रेटर देन। तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन जो है के इज़ लेस देन टी,
और सेकंड कंक्लूजन जो है वो है आर इज ग्रेटर देन डी। तो सबसे पहले आप के और टी के बीच में देखिए, तो आप के और टी के बीच में जितने भी साइन है उस पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिस साइन की होगी उस साइन को आप लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको मिल रहा है टी इज इक्वल टू, इसका सबसे कम होता है प्रायोरिटी, उसके बाद में ग्रेटर देन इक्वल टू और उसके बाद में ग्रेटर देन, तो ये आपका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला साइन है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टी इज ग्रेटर देन के। आपका फर्स्ट कंक्लूजन भी वही है, यानी कि आपका ये जो कंक्लूजन है वो ट्रू है। उसके बाद में आप देखिए आर और डी के बीच का आपको रिलेशन निकालना है, तो आप आर और डी के बीच में देखेंगे, आर और डी के बीच में आपके दो साइन हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है और इक्वल टू है, आपको क्या बोल रहा है कि क्या आर बड़ा है डी से, तो आप यहाँ पर श्योर नहीं है कि आर बड़ा है डी से, यानी कि आपका जो ये कंक्लूजन है वो है गलत, आपका सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन सही है। तो आप उस तरीके से अपने ऑप्शंस देके उस चीज़ को मार्क कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स ये भी आपका कोडेड ही है, आपको सारे साइंस दिए हुए हैं, उसका मतलब क्या होता है आपको यहाँ पर बताया गया है, पी इज़ नॉट स्मॉलर देन क्यू। यहाँ पर आपका जो है एंड का मतलब होता है कि पी जो है वो छोटा नहीं है क्यू से, यानी कि वो क्या है, वो बड़ा है या फिर वो बराबर है, यानी कि वो क्या है, सॉरी, या तो वो बड़ा है या फिर बराबर है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, पी इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, यानी कि ना ही वो बड़ा है ना ही वो बराबर है, यानी कि वो क्या है, छोटा है। पी इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, यानी कि वो छोटा भी नहीं है और ना ही वो बड़ा बराबर है, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, पी जो है वो बड़ा है। यहाँ पर आपका हैश का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका पी है वो बड़ा है। वहीं पे परसेंटेज का मतलब पी इज़ नॉट ग्रेटर देन क्यू, यानी कि पी जो है वो बड़ा नहीं है, तो क्या होगा, या तो वो छोटा होगा या तो वो बराबर होगा। आपके चार साइंस हो चुके हैं, ठीक है, तो आपका एट द रेट का मतलब हो जाएगा इज़ इक्वल टू, क्योंकि आपके पांच साइन होते हैं इनइक्वालिटी में और ये हो गया चार साइन हो गए, तो ऑब्वियसली आपका पांचवा यही होगा। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, पी इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन क्यू, यानी कि पी जो है ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, यानी कि वो बराबर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, आपका यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कोडेड फॉर्म में दिया हुआ है, टुकड़ों में दिया हुआ है, तो आप उसको एक सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेंगे, यानी कि आपका आर, फिर यहाँ पर आपके देखिए यहाँ पर जे से ख़त्म हुआ है तो जे से ही शुरू हुआ है, डी पे ख़त्म हुआ तो डी से ही शुरू हुआ है, तो आपको यहाँ पर कहीं पे भी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो आर और जे के बीच में देखेंगे आप जे और डी, डी एंड के और के एंड टी, अब आप इनके बीच के साइन जो हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर आप साइन पुट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर हैश है तो यहाँ पर क्या आएगा, हैश का मतलब होता है ग्रेटर देन, यहाँ पर एंड है तो एंड का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, डी और के बीच में एट द रेट है, एट द रेट का होता है इक्वल टू, है ना, और के और टी के बीच में आपका क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज का होता है लेस देन इक्वल टू, यानी कि आपने इसको डिकोड कर लिया और एक सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया। अब आप इसके क्या देखेंगे, कंक्लूजन्स देखेंगे, जे और टी के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है, सिमिलरली आपको आर और के बीच में, तो जे और टी के बीच में आपका एंड साइन है और एंड का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट हो गया जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टी, और सेकंड आपका आर और के बीच में है और हैशटैग का मतलब होता है आपका ग्रेटर देन, तो आपका क्या हो जाएगा, आर इज़ ग्रेटर देन के। आपको ये फाइंड करना है कि ये दोनों सही हैं या नहीं, तो चलिए आप जे और टी के बीच में रिलेशन देखिए, तो ये हो गया आपका जे और ये हो गया आपका टी, तो इन दोनों के बीच में आप ये देखेंगे कि आपको एक ऑपोजिट साइन मिल रहा है, यानी कि ये यहाँ पर दोनों कोई दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, जहाँ पर भी आपका दो ऑपोजिट साइन मिलता है तो वहाँ पर आपका उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, तो आपका जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वो गलत हो जाएगा। सिमिलरली अब आर और के बीच में देखेंगे, ये रहा आपका आर और ये है के, तो इन तीनों के बीच में कहीं पे भी आप देखेंगे तो आपको ऑपोजिट साइन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, आर और के बीच में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला साइन है ग्रेटर देन, तो आप यहाँ पर आर इज़ ग्रेटर देन के,
आपको यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि आपका कंक्लूजन टू जो है वो सही है। आप इन दोनों, आपको फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग मिला, सेकंड कंक्लूजन जो है वो सही मिला, आप ऑप्शन में अपने आंसर के हिसाब से मार्क कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी पे अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपके जो डायरेक्शंस थे वो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से ही थे। आपका डॉलर का साइन जो था उसका मतलब था आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉपीराइट का साइन तो था उसका मतलब था लेस देन, हैश का साइन जो था उसका मतलब था आपका ग्रेटर देन है, और आपका परसेंटेज का साइन था लेस देन इक्वल टू, और आपका एट द रेट का जो साइन था उसका मतलब था इक्वल टू। चलिए फ्रेंड्स, आपको ये दिया हुआ है एक स्टेटमेंट जो कि कोडेड फॉर्म में है, उसको आप डिकोड कीजिए। एम बी एन आर के, एम और बी के बीच में है आपका एट द रेट यानी कि इक्वल टू हो जाएगा आपका, बी और एन के बीच में है आपका हैश यानी कि ग्रेटर देन हो जाएगा आपका, एन और आर के बीच में है आपका डॉलर का साइन यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और आर और के बीच में आपका कॉपीराइट का साइन यानी कि ये हो जाएगा लेस देन। और आपको यहाँ पर तीन कंक्लूजन दिए हुए हैं, तो चलिए फ्रेंड्स कंक्लूजन को भी डिकोड कर देते हैं। आपका फर्स्ट कंक्लूजन है के हैश बी, हैश का मतलब होता है ग्रेटर देन, तो आपका ये हो गया। सेकंड कंक्लूजन है आपका एम डॉलर आर, डॉलर का मतलब होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, और थर्ड आपका जो है ये हो जाएगा एन कॉपीराइट एम, तो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है लेस देन। तो अब आप सारे कंक्लूजन को स्टेटमेंट से चेक कीजिएगा, के और बी के बीच में आपको रिलेशन देखना है के और बी, तो आप सारे साइंस को पहले ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर आपका ऑपोजिट साइन आ रहे हैं यानी कि आपका के और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा यानी कि ये आपका गलत है। अब आप देखेंगे एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आर, एम और आर के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन तो ज़रूर है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये एक ग्रेटर देन का साइन है और जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो फ्रेंड्स आपका ये भी कंक्लूजन गलत है। अब एन इज़ लेस देन एम, तो अगर आपको ये देखें एन और एम के बीच में आपको दो ही साइन है इक्वल टू और ग्रेटर देन का, जिस पे ग्रेटर देन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एम इज़ ग्रेटर देन एन। आपका कंक्लूजन में भी यही बोल रहा है कि आपका जो एन है वो छोटा है एम से यानी कि एम बड़ा है, और आपका स्टेटमेंट में भी ये चीज़ प्रूव हो रही है यानी कि आपका कंक्लूजन नंबर थ्री जो है वो सही है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आई हो। चलिए अब सबसे ज़्यादा जो हमारे व्यूअर्स ने डिमांड की है आइदर और की कंडीशन एक और क्वेश्चन के बाद देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर ये जो है आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, और उस पर आपको दो ब्लैंक्स दिए हुए हैं यानी कि आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, और आपको आंसर में जो है पांच ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से चार में आपको दो साइंस दिए हुए हैं, दो साइन के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, और जो पांचवा है वो आपका नन ऑफ दीज है यानी कि अगर आपके आंसर इससे मैच नहीं कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस पूरे स्टेटमेंट में आप कौन से दो साइंस हैं जो आप इस क्वेश्चन मार्क की जगह रखें तो आपका डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन एस एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि कौन से ऐसे दो साइंस पुट करने के बाद में आपका जो स्टेटमेंट बनेगा उसके बाद में आपके ये दो कंक्लूजन है वो ट्रू हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कॉमा में दिया हुआ है यानी कि आपको टुकड़ों में आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आप पहले इसको पूरे एक स्टेटमेंट में चेंज कर लेंगे। तो आप इसको इस तरीके से कुछ लिखेंगे, यू आपका यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़िए, वी डब्ल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप इन दोनों स्टेटमेंट में देखिए कि आपको कोई एक कॉमन कैरेक्टर ज़रूर मिलेगा, तो आप यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें तो आपका कॉमन कैरेक्टर जो है वो है यू, तो यू से आप हमेशा जिस तरफ है, अगर आपका यू यहाँ पर क्या है छोटा और बराबर है यानी कि लेस देन इक्वल टू है, तो आप उस तरीके से साइन पुट करते जाएंगे, जैसे कि यू यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है y के, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू y, और यहाँ पर y जो है वह लेस देन इक्वल टू है x के, तो y आपका लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा x के, ठीक है फ्रेंड्स। और आप इसके दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर आपका ब्लैंक रहेगा, कोई भी साइन नहीं है, यहाँ पर आपका z रहेगा,
ठीक है। और जेड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा और एस। तो फ्रेंड्स आप सारी चीज़ें पहले हर ऑप्शन को पुट कर करके देखने की बजाय आप यहाँ पर बस एक चीज़ देख लीजिए कि आपको कौन कौन से दो कैरेक्टर को कंपेयर करना है। यहाँ पर आपको W और S को कंपेयर करना है, तो आप W से चल कर जाएंगे S पे, ठीक है। ये आपका ब्लैंक नंबर 1 है और ये आपका ब्लैंक नंबर 2 है, तो आप फर्स्ट यहाँ पर रखेंगे और सेकंड को इस ब्लैंक में रखेंगे। आपको जाना है W से S तक के, ठीक है फ्रेंड। तो आपको अगर W इज़ ग्रेटर देन S को ट्रू करना है, तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कोई भी ऑपोजिट साइन ना आए W से लेकर S तक के। और उसके बाद में अगर आपका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला साइन यही है, तो ऐसा भी कुछ नहीं कि अगर कोई दूसरा प्रायोरिटी आ गया तो आपका एक कंक्लूजन जो है वो नॉट ट्रू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सबसे ज़्यादा ये है प्रायोरिटी वाली साइन है, तो अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि आपका जो फर्स्ट ब्लैंक है उस पर आपको बस कोई ऑपोजिट साइन नहीं आनी चाहिए, यानी कि आपको ये साइन चाहिए तो कोई भी ऑपोजिट साइन नहीं आनी चाहिए, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके फर्स्ट में ऑपोजिट साइन आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट में अगर आपका ऑपोजिट साइन आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बार पुट करके देखेंगे। यहाँ पर अगर आप पुट करते हैं, ठीक है, और अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं ये यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका ये सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स आपका जो सेकंड इक्वेशन है आपको क्या करना है, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो यहाँ पर ये आपका एक्स और आपका आर है यहाँ पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के जाना है और यहाँ पर आपका अगर कहीं पर भी साइन ऑपोजिट होता है तो आपका गलत हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो आपको कुछ ऐसा साइन पुट करना है जिससे क्या हो कि वो गलत ना हो। तो अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं क्या इक्वल टू, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, W इज़ ग्रेटर देन S, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर यहाँ से यहाँ तक कि आप जाएँ तो W ही है, तो W इज़ ग्रेटर देन S। अगर आप फोर्थ ऑप्शन पुट करते हैं यहाँ पर तो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में आपका क्या होना चाहिए, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू r। यहाँ पर आपका क्या होगा कि यहाँ पर आपका डायरेक्टली दिया हुआ है, आप इसको अगर ऐसे लिख दें, आपको जिन दो कैरेक्टर के बीच में आपको डील करना है उसके अलावा आप सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर r इज़ लेस देन इक्वल टू t इज़ लेस देन इक्वल टू u, और u से आप फिर इस तरफ चले जाइए, u is less than equal to y और y is less than equal to x। तो आपका सीधा सीधा यहाँ पर समझ में आ रहा है कि x जो है आपका greater than equal to r है, यानी कि अगर आप यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन पुट करते हैं तो आपके जो दोनों कंक्लूजन है वो ट्रू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ। आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है अब आइदर और की कंडीशन के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं आइदर और की कंडीशन लगती कहाँ पर है। सो फ्रेंड्स आइदर और की कंडीशन लगने के आपके पास में तीन रूल हैं, जहाँ पर आप अगर फॉलो होता है तो आइदर और की कंडीशन लगा सकते हैं। सबसे पहले आपका रूल जो है कि आपके जो दोनों कंक्लूजन हैं वो गलत होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपके जो कंक्लूजन हैं उस पर अगर आपके कैरेक्टर जो हैं वो सेम हैं तो ही आइदर और की कंडीशन लगेगी, अगर कैरेक्टर अलग अलग है तो आइदर और की कंडीशन नहीं लगेगी। उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस शुड बी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस कैसे होता है फ्रेंड्स, आप कोई भी साइन को कंबाइन कीजिए, आप सिर्फ दो ही तरीके के साइन को कंबाइन कर सकते हैं, ग्रेटर देन या फिर लेस देन को आप कंबाइन कर सकते हैं इक्वल टू के साथ में। अगर आप इसको कंबाइन करते हैं इक्वल टू के साथ में तो ये साइन आएगा, और अगर आप लेस देन को कंबाइंड करते इक्वल टू के साइन में तो आपका ये साइन आएगा, यानी कि आपके दो साइन कंबाइंड होके एक ये साइन बनाएंगे। और इसी केस में आप आइदर और लगा सकते हैं, ठीक है, कि आपके जो साइन जो है कंबाइंड हो रहे हैं वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हो रहे हैं कि नहीं। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और आपको एक कंक्लूजन दिया हुआ है कि ये कंक्लूजन सही है या नहीं, या फिर इसमें से कौन से कंक्लूजन सही है, या फिर या
आइदर कंक्लूजन वन इज ट्रू और कंक्लूजन टू इज ट्रू। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर एम और पी के बीच में अपन को देखना है, तो एम और पी के बीच में आपके कौन कौन से साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू का साइन है। यहाँ पर अपना कोई भी सबसे हाई प्रायोरिटी का साइन नहीं है, यानी कि आपका कोई भी ग्रेटर देन या फिर लेसर देन का साइन नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कंक्लूजन में कि एम इज़ ग्रेटर देन पी, तो ये आपका गलत हो गया। सिमिलरली आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एम इज़ इक्वल टू पी, यहाँ पर इक्वल टू पी है लेकिन उससे ज़्यादा प्रायोरिटी का साइन क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये वाला भी जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका जो फर्स्ट कंडीशन थी बोथ कंक्लूजन शुड बी फॉल्स, यानी कि आपकी फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रही है, ठीक है। आपका जो सेकंड है कैरेक्टर मस्ट बी सेम, आपके दोनों कैरेक्टर जो हैं वो सेम हैं, ठीक है। और आपके जो कॉम्बिनेशन ऑफ साइन जो हैं वो आपको क्या बनाना चाहिए, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। और आप इन दोनों साइन को कंबाइन करके भी लेस देन इक्वल टू बना सकते हैं, यानी कि आपकी थर्ड कंडीशन जो है वो भी फुलफिल हो रही है, यानी कि आपका आपका जो आंसर होगा वो होगा आइदर कंक्लूजन वन और टू इज ट्रू। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि आपको क्या करना है, सारे कंक्लूजन को बस ऑब्जर्व करना है कि वो आपकी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। अगर वो आपके तीनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, यानी कि आपका जो है कंक्लूजन, उस पर आप आइदर और की कंडीशन लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसको एक और क्वेश्चन के साथ में समझते हैं। आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको दो कंक्लूजन दिए हुए हैं। स्टेटमेंट है आपका ए इज़ इक्वल टू बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू आर इज़ लेस देन इक्वल टू एस लेस देन इक्वल टू टी लेस देन यू, और आपका कंक्लूजन जो है सी इज़ लेस देन टी और सी इज़ इक्वल टू टी। तो चलिए फ्रेंड्स सी और टी के बीच में आपको रिलेशन देखना है, तो यहाँ पर सी इज़ इक्वल टू आर इज़ लेस देन इक्वल टू एस इज़ लेस देन इक्वल टू टी, यानी कि आपका यहाँ पर कोई भी हाई प्रायोरिटी का साइन नहीं है जो आपको कंक्लूजन में दिया है, यानी कि आपका कंक्लूजन वन जो है वो गलत है। उसके बाद में सी इज़ इक्वल टू डी सी इज़ इक्वल टू टी, तो यहाँ पर सी और टी के बीच में देखें तो आपका इज़ इक्वल टू का साइन तो है लेकिन उससे ज़्यादा प्रायोरिटी लेस देन इक्वल टू का साइन भी है, यानी कि आपका ये वाला कंक्लूजन भी जो है वो गलत है। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रहा है फ्रेंड्स कि ये क्या है, दोनों आपके जो कंक्लूजन है वो गलत होने चाहिए। सेकंड कंडीशन देखते हैं अपन, सी और टी दोनों आपके जो कैरेक्टर्स है कंक्लूजन के वो भी सारे सेम हैं, और थर्ड जो है आपका इन दोनों के बीच में अगर इनका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये आपका लेस है और ये इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आपका कॉम्बिनेशन बन गया, और इन दोनों के बीच में आपका लेस देन इक्वल टू का साइन है, ठीक है। आपका ये जो थर्ड कंडीशन है कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस वो भी आपका क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो आपके इन दो कंक्लूजन पे आइदर और की कंडीशन लग सकती है, यानी कि आपका ट्रू होगा या तो कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू, आपका इन दोनों कंक्लूजन में से कोई एक कंक्लूजन सही है। फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपका कॉम्बिनेशन जो है, यानी कि आपको यहाँ पर ये दिया हुआ था, अगर दो और कंक्लूजन अपन देख लें कि सी इज़ टी, ठीक है, सी इज़ इक्वल टू टी, यहाँ पर आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका कौन सा साइन बनेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, और सी और टी के बीच में आपका सारी जगह क्या है, लेस देन इक्वल टू। तो अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ साइन ये बन रहा है लेकिन आपके स्टेटमेंट में ये कहीं फिट ही नहीं हो रहा है, तब भी आपकी आइदर और कंडीशन जो है वो नहीं लगेगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो, आइदर और की कंडीशन आप सबको क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर जाके कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई और टॉपिक पर डाउट है तो आप उस पर भी कमेंट कीजिए, आपको उसका वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।